खबर मंदसौर जिले की शामगढ़ से। तैयार हो गया ओवर ब्रिज, 25 तारीख को शुभारंभ संभावित। शामगढ़ नगर में विगत 4 वर्षों से निर्माणाधीन ओवर ब्रिज अब शुरू होने वाला है। वर्तमान में यादव सदन के पास स्थित रेल फाटक मार्ग से रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, जिन्हें घंटों रेलवे फाटक बंद होने पर इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है। बता दें कि शामगढ़ में बना ओवर ब्रिज मंदसौर जिले का दूसरा बड़ा ओवर ब्रिज है। इससे बड़ा ओवर ब्रिज मंदसौर शहर में सीतामो फाटक पर निर्माणाधीन है। शामगढ़ से डंग, उज्जैन, बड़ोद, भोपाल, इंदौर जाने के लिए स्थिति शामगढ़ रेलवे मार्ग पर स्थित फाटक पर जाम की समस्या के समाधान व फाटक को बंद करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने करीब 2014 व 15 में ओवर ब्रिज की स्वीकृति प्रदान की थी। सेतु विकास विभाग ने दिसंबर 2016 में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर 27 करोड़ की लागत से रत्ना कंस्ट्रक्शन गुजरात को निर्माण ठेका दिया था। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा निर्माण शुभारंभ किया गया था। अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य दिसंबर 2018 में पूरा होना था। तकनीकी कारण व कोरोना के चलते निर्माण में देरी हो गई, लेकिन जिले का दूसरा सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज अब बनकर तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले 25 दिसंबर को इसके शुभारंभ हो सकता है। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।